करनाल में शहर के सेक्टरों से गुजरती सड़कों को सुदृढ़ बनाने का कार्य जारी है। इसी कड़ी में सेक्टर 13-14 की डिवाइडिंग रोड को सुदृढ़ बनाने के लिए महापौर रेणुबाला गुप्ता की उपस्थिति में वार्ड नंबर 10 के पार्षद वीर विक्रम सिंह ने नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सड़क पर बुटीमिन कंक्रीट का कार्य शुरू किया गया है, जो अगले कुछ दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिलहाल मुगल कैनाल से जीटी रोड को जाने वाली 800 मीटर लंबी सेक्टर 13 की साइड वाली सड़क को सुदृढ़ बनाया जाएगा और इस पर अनुमानित 25 लाख रुपए खर्च होंगे। विदित है कि सड़क की खस्ता हालत से लोगों को भारी परेशानियां हो रही थी, अब सड़क बनने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं इस अवसर पर मेयर ने कहा कि लॉकडाउन के चलते सरकार जन सुविधाओं पर भी ध्यान दे रही है ताकि जनता को परेशानी ना हो। करनाल में कई दिनों से शहर की मुख्य व आंतरिक सड़कों को नगर निगम की ओर से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। यातायात इससे सुगम हो गया है और सड़क पर चलने वालों को सुकून मिल रहा है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि बहुत जरूरी काम हो तो ही सड़कों पर निकले, अन्यथा घरों में ही लॉकडाउन रहे। सरकार नए नए तरीकों से नागरिकों को होम डिलीवरी से खाने पीने की चीजें मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और कोरोना का फैलाव ना हो। लोग लॉकडाउन का पालन करें तो सुरक्षित रहेंगे और कोरोना भागेगा। तो ये डिवाइडिंग रोड है जो दो टूट के जो इसमें खड्डे हुए थे, तो लॉकडाउन के कारण काम रुका हुआ था। हमने सारी 13 सेक्टर की जितनी मेन रोड्स हैं वो सारी कंप्लीट करवा दी हैं और उसी कड़ी में ये मेन रोड रह गई थी। तो लगभग कोई 24 लाख का एस्टीमेट है इसका, 40 mm मोटी लेयर डलेगी और एक अच्छा मजबूत काम हो जाएगा, जिससे जो इस रोड से पूरा करनाल आता जाता रहता है, 7-8-9 सेक्टर से भी और मार्केट से भी। तो ये मेन लाइफलाइन वाली रोड है, तो इसको हम ठीक करेंगे। 13 सेक्टर की जो बाकी सड़कें थी वो भी सारी सही हो चुकी है, सारी कंप्लीट हो चुकी है। 1 crore 20 lakh का वो टेंडर था, पूरी टोटल 13 सेक्टर की मेन रोड, ये वाली मेन रोड सारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे 13 सेक्टर में कोई सड़कों की कोई कमी नहीं है। कितनी समय की अवधि है सर इसकी? भाई ये इतने समय 3 साल तक ठेकेदार है, उसकी मेंटेनेंस करनी है और वो मेंटेन करेगा और उसके सिक्योरिटी निगम के पास। कितनी लेयर की परत चढ़ेगी इस पे? ये 40 mm की, 53 mm लेयर डलेगी कंपैक्ट के बाद, 40 mm की लेयर आ जाएगी और बड़ी मजबूत लेयर। बहुत सारे काम हमारी जरूरतों के मुताबिक, हमारे शहर के लोगों के मुताबिक लॉकडाउन की स्थिति आने की वजह से रुक गए थे। आज जब कुछ जन सामान्य होने लगा है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम मास्क भी पहनेंगे, हम सैनिटाइज भी रखेंगे, इसके साथ साथ हम डिस्टेंस भी रखेंगे, पर अपने कामों को करते हुए अपने आप को मजबूत रखेंगे, अपने भारत को मजबूत रखेंगे, इसी सोच के साथ लॉकडाउन की स्थिति खत्म होने को है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे करनाल वासियों को कि हालांकि खतरा टला नहीं है, फिर भी हम सब सावधानियों को बरतते हुए हमारे जो भी ज़रूरी काम है, लोगों की दिक्कतें ना हो, उन कामों को हम करवाने के लिए नगर निगम पूरी तरह से प्रयासरत है। हमारे यहाँ के पार्षद हैं वीर विक्रम जी, आज यहाँ पर डिवाइडिंग रोड की शुरुआत हुई है और इसी समय में हमने 13 सेक्टर की सड़कें जहाँ काफ़ी सारे खड्डे थे उनको भी बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें समय समय पर इस बात के लिए दिशा निर्देश देते रहते हैं कि हमें किस तरह के काम किस तरह से करने चाहिए, और मुझे विश्वास है कि हम इन सब कामों को करते हुए इस वैश्विक महामारी से भी जीत पाएंगे और आने वाले समय में हम अपने आप को भी, अपने शहर को व्यवस्थित भी कर पाएंगे, अपने नागरिकों को भी सुरक्षित कर पाएंगे और अपनी अर्थव्यवस्था है, चाहे हमारे आज मजदूर भाई बंधु हैं जो लॉकडाउन की स्थिति आने से बेरोजगार हो गए थे, उन्हें की कोई काम नहीं मिल रहा था, आज वो काम करके अपने आत्म सम्मान से ज़िंदगी जी सकेंगे, इस तरह के कार्यों की शुरुआत इसलिए भी की है। मैं आज इस कार्य के शुभारंभ पर सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.